भारतवर्ष में कई ग्रंथ महापुराण और वेद लिखे गए हैं, उनमें से एक है रामायण। हिंदू ग्रंथों में रामायण बड़ी ही पवित्र ग्रंथ है। इनमें अधर्म पर धर्म की जीत बताई गई है। रावण के अहंकार का विनाश भगवान श्री राम द्वारा किया गया है। रावण के द्वारा सीता मैया का अपहरण कर लिया गया था, जिसके चलते श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। तभी से दशहरा पर्व मनाया जाता है और इस दिन रावण दहन भी किया जाता है। रावण भी ब्राह्मण था, पर यह कारण है कि ब्राह्मणों का गांव रोहिड़ा, जो सिरोही जिले में है, यहां ग्रामवासी रावण दहन रात्रि 2 बजे बाद करते हैं। हो रहा है और इसमें असत्य पर सत्य की विजय हो रही है और भगवान रामचंद्र जी के द्वारा ये रावण का अहंकार को तोड़ा गया है। ये काफी समय से हमारे रोहिड़ा में ये रोहिड़ा में आपके होता है, लेकिन ये होता है क्योंकि ये रात मध्य रात्रि जो 2 बजे के बाद में ये होने की ये क्या परंपरा है? प्राचीन समय से इसी समय हो रहा है। जैसे कि हमने सुना है कि पूरे राजस्थान या हिंदुस्तान में ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे रात को होता है, लेकिन आपके यहाँ पे रात को होता है काफी, तो उसके यानी किस मानस से और क्या क्या कुछ तैयारियाँ होती है? ये ऐसे यहाँ पे कि ये मुहूर्त निकाला जाता है और मुहूर्त के अनुसार ये सारे कार्य, तो ये इसका कार्य यानी व्यवस्था कौन संभालता है? ये हमारे ब्राह्मण समाज संभालते हैं। जी सर, जी सर, तो यही परंपरा के रिवाज से यानी रोहिड़ा में चलाया जाता है। धन्यवाद। जो ब्राह्मणों की रीति के अनुसार है, यहाँ भी श्री राम की सेना बलगाड़ी में सवार होकर रावण दहन करने के लिए पूरे गांव का भ्रमण कर रावण का दहन करती है। इस तरह सत्य की एक बार फिर से विजय होती है। टाइम्स टुडे के लिए भजन राजपुरोहित की रिपोर्ट।